सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं चुका हूँ ओल्ड पैशन में और आज के गेम प्लेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं उतरा, मेरे को M16 मिलती है और बस मेरे फेवरेट वाला घर मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता है आज, क्योंकि भाई ये ऐसी जगह है, यहाँ से मेरे को ना 10 में से 9 बार हमेशा बढ़िया ही लूट मिलती है, बल्कि 10 में से 10 बार, लेकिन हाँ बहुत रेयरली होता है कभी 15-20 दिन में कि मेरे को यहाँ से लूट ना मिले। वेल, थोड़ा बहुत और घरों को झांकने के बाद मुझे लग नहीं रहा था यहाँ पर कोई आया है, क्योंकि भाई इतने घर लूट ले मैंने, कहीं मेरे को कोई हलचल नहीं मिली। लेकिन जैसे मैं इन दो घरों के पास आता हूँ, कोई तो है सामने। देखो सही टाइम में मैंने उसको नॉक कर दिया, नहीं तो उसके पास वो ठाठा वाली शॉट गन थी S686, दो छर्रे मार रहे थे, मतलब बस दो टैप और बड़ी आसानी से मरता मैं। एक तो मैं इतना पास था, ऊपर से पूरा खुद को रिवील कर रखा था मैंने। इसके टीममेट शायद वहां पर कहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने जस्ट अभी पेटी बनाई है और इंस्टेंटली पेटी लूटना किसको नहीं पसंद, और मैंने मौके पर चौका मारा। इस बंदे के पास बढ़िया मौका था, क्योंकि मैं जस्ट कूद के आया था तो थोड़ा एम बिगड़ जाता है, एकदम से नीचे गिर के फिर उठ के एम करने का ट्राई करते हैं। तो ओ भाई, इसको रिवाइव करा था कोई, मैं सोचा ऐसे ही पड़ा है भाई, गलत। अब बस एक बंदा नॉक्ड रह रखा है पीछे की तरफ, वही येलो वाला, जिसके पास बढ़िया मौका था मेरे को मारने का। यहां से मैंने M4 उठाई और मैं स्कीकर की उसी तरफ, यस माय फ्रेंड, उसी तरफ जाने वाला था। मेरे को डर था भाई ये जो साइड में कोई आया है मेरा किल चोरी ना कर ले। हो सकता है उनका टीममेट हो, लेकिन मैं बता दूं ये जो बंदा अभी स्कैनर चला रहा है ना, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखो अब इसने यहाँ पे एक बॉट को नॉक कर दिया, ओके, वो बॉट सामने है मेरे, मैंने उसका किल चोरी कर लिया और फिर मैं भाई एकदम से टॉप पे पहुंचता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका क्रेट लूटना था जो मैंने बंदा यहाँ पे मारा ना। और ये बंदा अंदर की तरफ जा चुका है भाई, सीढ़ियों में जाएगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं। एक और बॉट, बट मैंने उसको इग्नोर करा, लेकिन ये बंदा उस बॉट को इग्नोर कर नहीं पाया और भाई खुद भी मरा, और ना ही बॉट का किल ले सका, उसका किल और मैंने चोरी कर लिया। वहां से देखो एक बग्गी गई जस्ट। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा 22bet के बारे में। 22bet की मदद से आसानी से आप लोग पैसे अर्न कर सकते हो, और अगर आप लोगों की क्रिकेट में अच्छी नॉलेज है तो आप लोग 22bet पर बेट करके काफी सही पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे क्रिकेट के अलावा भी काफी सारे स्पोर्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों का कैसीनो में या फिर लाइव कैसीनो में इंटरेस्ट है तो वो दोनों भी यहाँ पर अवेलेबल है। मनी आपको विद्रॉ या फिर डिपॉजिट करनी है तो उसके आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, जीपे, पेटीएम, यूपीआई, जो भी जिसमें भी तुम्हारा मन है वो सब कुछ यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, और वो भी 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ। तो यार अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे क्लिक करो और जाओ यार लॉगिन करो 22bet पर। अब वो बग्गी वाला तो निकल जाता है, मुझे लगा यहीं से बग्गी लेके गया, पर नहीं, वो पीछे से डाशिया लेकर आया था और फिर यहां से बग्गी उठा के ले गया। चलो इसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए गाड़ी बच गई, लेकिन ये क्या हाल कर रखा है इस गाड़ी का। मैं थोड़ा स्कीक करता हूं और कुछ करके भाई गाड़ी एडजस्ट हो जाती है यार। भाई इसकी सच में बहुत तगड़ा फीचर है। मैं गाड़ी लेता हूं, मैं SST के पास आया, यहां पे एक ड्रॉप था तो मुझे लगा यहां बंदे मिल जाएंगे, बंदे नहीं तो मुझे वेपन्स मिल जाएंगे। लेकिन हां, एक बंदा मुझे भागता हुआ दिखता है, देखो नंगा पुंगा सा। अब मेरा मन तो इसको कुचलने का था नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई मेरे को गन फाइट में ज्यादा मजा आता है, और गन फाइट में यहाँ ओपन में कर नहीं सकता था। अरे बिल्कुल ही ओपन था भाई, क्या पता ट्रिपल स्टोरी, फिर कहीं भी बंदे हो सकते थे, और क्योंकि गेम अच्छा मतलब बढ़िया स्टार्ट मिला है तो मैं नहीं चाहता था इसको फालतू में वेस्ट करना। दूर से मैंने देखा कि कोई इसकी आर्मी मेरे को आती दिख रही हो, लेकिन नहीं, ये वन मैन आर्मी है भाई, अकेला पेड़ के पीछे छुपा पड़ा है और कोई इसका टीममेट मेरे को लग नहीं रहा है। स्टिल मैंने वेट करा, ऊपर की तरफ आया मैं और मैं देखना चाह रहा था कौन से पेड़ पे, एक्चुअली वहां से यहाँ आया ना तो मैं भूल गया कौन से पेड़ पे था, वो बीच वाले में कौन से वाले में, तो मैंने एक सेकेंड भाई यार कैसे सोचा भी कैसे। हाँ माना इसमें डैमेज रजिस्टर नहीं होता, लेकिन तुम बिल्कुल मुंह के सामने आओगे, जैसे कल मैं मिरांडो से मरा था आप लोग को याद हो, तो भाई कोई कैसे ही छोड़ेगा। ऊपर से भाई कुछ भी हो यार, स्किन बड़ी अच्छी थी लड़के की। अब मेरे देखो गाड़ी में फ्यूल कम था और बस वही मैं देखना भूल गया और लग गई भाई। शेट भाई वो अकेला नहीं, दो बंदे हैं मेरे सामने, बस तुम देखते जाओ। एक तरह से मेरी लड़ाई ना यहाँ पे एक ही बंदे से थी, इस वाले को तो मैं भाव ही नहीं दे रहा था जो मेरे पास था, उसके लिए मैंने बस ड्रॉप का कवर ले रखा था और बस। खैर बहुत हुआ भाषण, अब इस आखिरी बंदे की बारी, जो शायद इनका चौथा बंदा होगा ना, तीन तो मैं मार ही चुका हूँ। टीम तो थी भाई इनकी, टीम तो थी, लेकिन हाँ बस थोड़ी बटी हुई थी।
स्टन, ये मेरी काफी मदद कर देगा। और लिटरली बंदा काफी देर तक अंधा रहता है। और भाई ये टीम मारी जाती है यहाँ पे, मजा आ गया इनसे फाइट करके। और हाँ यार, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर डेली वीडियोस देख रहे हो तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो यार मेरे बोलने का? ओके, मैंने बोल दिया, सब्सक्राइब कर दो। राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके सॉल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। मैं देखो बाइक पकड़ता हूँ इन्हीं की। हाँ ये बाइक्स मुझे पसंद तो है, लेकिन भाई ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है भाई। एक तो कभी भी टक्कर हो जाएगी तो इतनी दूर जाके पड़ोगे, नहीं है भाई सेफ। तो मैं एक बाइक पकड़ी मैंने गाड़ी पकड़ने के लिए आगे, लेकिन मैं जैसे आगे जाता हूँ गाड़ी तो दिख जाती है मेरे को बट चलती हुई। और देखा ना, एक हल्की सी टक्कर लगते भाई कि भाई कितनी अनस्टेबल हो गई, तो इसलिए ये सही नहीं है। अब यहाँ पे एक मिराडो भी थी और भाई ये चल नहीं रही है, तो मैं रोकता हूँ अपनी बाइक, ये उठाता हूँ और बस दाशिया वाले बंदे क्योंकि मेरे आसपास ही है तो मैं एकदम से इसको पहले भगा लेता हूँ। ओ भाई राइट साइड में थे। अब देखना, एक बंदा तो पीछे रह जाता है लेकिन ये दाशिया वाला मेरे साथ जाता है, तो मैंने सोचा ठीक है भाई उतरते हैं, अभी अकेला हो चुका है तो व्हाई नॉट। सही तोड़ा मैंने इसको और इसका टीममेट आ ही चुका था। अब देखना, अनफेयर इज इक्वल्स टू दिस। और फिर कुछ बालक नीचे कमेंट करते हैं कि भाई किचन डिनर वाले गेम प्लेस कहाँ है, घंटा आएंगे भाई जब ये घटिया प्लेयर्स। और छोड़ मैं स्टार्ट नहीं होना चाहता इस वाले मैच में, वापस से मैं ओल्ड पैसन में आता हूँ। और भाई ये क्या हो रहा है, मेरा मतलब ये फेवरेट वाला घर बहुत सही डिसअपॉइंट कर रहा है यार। इस बार में मेरे को कुछ नहीं मिलता यहाँ से। आप यार, ये शॉर्ट गन और वीएसएस मिलना कोई बढ़िया लूट नहीं होती, ठीक है ना। मैं निकलता हूँ यहाँ से, जैसे निकला इस सामने येलो वाले घर में भी बंदा होता है। और भाई मैं बहुत फंस गया था लिटरली, मैं सोचा यार बंदा आके तोड़ेगा मेरे को, पर नहीं, मैं ऑलमोस्ट उसको तोड़ चुका हूँ भाई, एक हेडशॉट मारा है। पर हाँ, उसके पास भी पैन है और मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, तो मुकाबला काटे का हो सकता था अगर एक पैन छाप देता तो। बट मैं ऑलरेडी लीड ले चुका था तो भाई उसके लिए काफी मुश्किल था। खैर यहाँ पे काफी बढ़िया शॉटगन चल रही है और मेरे पास भी शॉटगन है, एक और मिल गया यहाँ पे, ठीक है भाई चलने दो शॉटगन। भाई कितनी शॉटगन है, वाह यार हद है। मे बी सारी असॉल्ट राइफल्स ये बंदे लेके होंगे ना जो मेरे आसपास घूम रहे हैं। और भाई ये वाली टीम भी मारी जाती है, तीन किल्स बोलते भी सर मारे यार, इतने ज्यादा नहीं मेरे को पता है। पर हाँ, अभी ये होल्ड ड्रॉप खत्म थोड़ी ना हुआ यार, अभी मे भी यहाँ पे और बंदे हूँ। मैं ये रिलोड वगैरह करके इस दूसरी बिल्डिंग में जस्ट जंप करा ही था, तो अभी इस तरह से भी भाईजन चलती है। और तुम्हें लग रहा है वो है वो बंदा वो सामने, तो नहीं, ये बॉट है। और देखो उसी बोट को जस्ट ओपी पी भाई जान वाला बंदा नॉक कर देता है। मैं किल चोरी करने का सोचा तो था, पर तुम्हें पता है इतनी दूर से भाई टोम्बी से मारने का अलग ही लेवल का स्ट्रगल है। तो मैं पहले थोड़ा बहुत हील वगैरह कर लेता हूँ यार, एक असॉल्ट राइफल मिल जाए तो भाई धन्य हो जाऊंगा मैं, बट क्या कर सकते हैं भाई, दूर से मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं देख रहा था कि ये है किस तरफ, इस गाड़ी और पेड़ के पीछे लग रहा है मेरे को जितना लगता है, क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा और गनशॉट की बस इसी तरफ से आ रही है। तो पहले तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया उसी तरफ कि मे बी कुछ हो जाए मिरेकल, बट भाई ऐसे ग्रेनेड्स ना बहुत कम ही सक्सेसफुल होते हैं। अब मैं सीधा स्की करता हूँ और ओपन में जाता हूँ लिटरली रश करने। तुम लोग सोच रहे होंगे जस्ट अभी तो मोंटेज शुरू हुई थी, म्यूजिक क्यों बंद कर दिया, तो यार रुको यहाँ पे बताना है कुछ मेरे को। मस्त प्रेम आ रहा, मुश्किल से बंदा तीन गोलियों का होगा। ओके वापस स्प्रे मारा, इस बार स्प्रे किसी और के लगता है। ओके भाई, मतलब हर एक बंदे को मैं 80% डैमेज दे चुका हूं, तो गया मेरे से नहीं साथ आएगा भाई। अब कंटिन्यू करता हूं मॉन्टेज।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या क्या तुम क्लाइमेक्स का वेट कर रहे हो? नहीं, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये आखिरी के दो बंदे रह जाते हैं अब तो, एक, और वो भी बोट होता है बाय।